गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और ये मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और आइए आज एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सो लेट्स गो। ये हमारा प्यारा सा चैनल है वर्चुअल एकेडमी और आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। उसके पहले मैं आपको कुछ ये बातें क्लियर करना चाहता हूं। इस टॉपिक के पहले आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यह होता है कि व्हेन लाइट कम फ्रॉम द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, ध्यान सुनिएगा, व्हेन लाइट कम फ्रॉम द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम इट बैंड। यह सबको पता है, बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बैंडिंग होना लाइट। और लाइट बैंड क्यों होता है, क्योंकि स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज लाइट बैंड। ये आप सबने अभी तक पढ़ा है, सो फार जो अभी तक पढ़ा है आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपने पढ़ लिया। अगर कोई आपसे ये बोले कि कितना, हाउ मच लाइट इज बैंड, कितनी लाइट बैंड होती है, मेजरमेंट क्या है, आप फिजिक्स में मेजरमेंट की ही तो बात होती है, बात समझाइए, फिजिक्स में मेजर की बात होती है, मेजरमेंट निकालना जरूरी है। आपने कहा लाइट बैंड होती है, मैंने मान लिया, अब मुझे बताइए कितनी बैंड होती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? इसके पहले जो हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट बैंड होती है, आपने स्टेटमेंट दिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं वो लाइट कितनी बैंड होती है, हाउ मच लाइट इज बैंड, मेजरमेंट क्या है। हमने क्वेश्चन किया कि हाउ मच विल बैंड ऑन डिफरेंट मीडियम, लाइट कितनी बैंड होती है, हाउ मच लाइट बैंड इन डिफरेंट मीडियम, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको मिलता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के उसमें, कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक ऐसा मेजरमेंट है जिससे आपको बैंडिंग ऑफ लाइट का नंबर पता चल जाएगा, मेजरिंग नंबर पता चल जाएगा। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या है जरा ध्यान से देखिए, द अमाउंट ऑफ बैंडिंग व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। अमाउंट मैंने आपको पहले ही बताया, अमाउंट ऑफ बेंडिंग, अमाउंट मतलब क्या, मेजरमेंट, अमाउंट ऑफ बेंडिंग व्हेन लाइट ट्रेवल वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको मेजर करा जाता है और वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ध्यान समझिए, ये डेफिनेशन आपको पढ़ना है, लर्न करना है, यहीं पे खत्म कर दीजिए। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग व्हेन लाइट ट्रेवल, अमाउंट मतलब कितना, अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो कितनी बैंड होती है, उसको मेजर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। पास हमें आ गए आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, क्लियर हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। अगर कोई बोले व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो सेम बता देना कि अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज अ रिफ्लेक्टिव, इज कैलकुलेट एज अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हम उसमें कैलकुलेट करेंगे कि कितने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में लाइट बैंड हुआ। आइए उसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और इसके आगे बढ़ते हैं, उसके पहले मैं आपको एक रिकॉल कराता हूं। देखिए, हमने पढ़ा है स्नेल्स लॉ, हमने आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाया है। व्हाट इज द स्नेल्स लॉ, मैंने आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाया था, रेशियो क्या है, वो रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ, रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज कॉन्स्टेंट, यह हमने कॉन्स्टेंट आपको पढ़ाया था। द रेशियो, द पैर ऑफ रेशियो, पैर ऑफ रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो तो हमेशा पैर में ही होता है, मतलब क्या, लाइट एयर से आई और ग्लास में गई, ये तो रेशियो हुआ ना, दो मीडियम का रेशियो हुआ। द पैर ऑफ रेशियो रिफ्लेक्टिव इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ये हमको किसने बताया था, ये हमको बताया था स्नेल ने, यह हमें स्नेल लॉ से पता चला। उसी तरह मैं आगे बढ़ने जाऊं, स्पीड ऑफ लाइट, जैसे अब मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे मैंने आपको बताया स्नेल लॉ क्या बताया, स्नेल लॉ बताता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने आपको ये बात कल स्नेल लॉ के इसमें इसमें टॉपिक्स में डिस्कशन कर ली थी। आइए हम बात करते हैं आगे की। देखिए,
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है 29900 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपको पता चल गया हो कितना होता है 29900 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में कितनी है 200,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 200,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको इसमें रख देते हैं, ओके इसमें रखते हैं तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको देखते हैं कितना है 29900 अपॉन 212345 इज इक्वल टू 1.5 आ गया ना। ये हमारा कल के एक्सपेरिमेंट भी आया था, अगर लाइट कम फ्रॉम द एयर मीडियम टू द ग्लास मीडियम हमेशा ये आंसर आया था 1.5। आपको ये बात समझ में आ गई है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसको रिफ्लेक्ट, कोई कोई इसको एम से भी डिनोट करता है, कोई कोई इसे यू से भी डिनोट करता है, हम यू से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1.5 टू विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1 किसका, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। यानी कि लाइट ग्लास में एयर के मुकाबले, लाइट ग्लास में एयर के मुकाबले 1.5 टाइम्स कम स्लो करती है, 1.5 स्लो ट्रैवल करती है। बात समझ आ गई आपको, क्या बोला है इसको बोलते हैं मीडियम, इसका मतलब क्या है मीडियम टू में, मीडियम वन से जो लाइट आ रही है वो 1.5 टाइम्स स्लो ट्रैवल करती है, यानी आपको पता चल गया लाइट किसमें स्लो ट्रैवल करती है, मीडियम टू में लाइट स्लो ट्रैवल करती है। आइए आगे की तरफ चलते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए होंगे और आपने ये भी समझ गए होंगे किस तरह से डिनोट करते हैं, जिस तरह मैं आपको ऐसा बताऊं डिनोटेड, कोई कोई उसे यू से डिनोट करते हैं और कोई लोग उसे एन से डिनोट करते हैं, वो दोनों आप ले सकते हैं, यू से करते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आया था 1.5, ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास एंड एयर के रिस्पेक्ट में, मैं ऐसा ले सकता हूं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, समझ आ रही बात, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर, विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर कितना है वो 1.5, समझ आ रही बात। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1.5, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझिए जब भी लाइट एयर के मीडियम से नॉर्मल से जब वो ग्लास में एंटर होती है, तो ये वाला एंगल होता है साइन आई होता है और ये वाला एंगल क्या होता है आर होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर होता है और इंसिडेंट आई होता है, इन दोनों का रेशियो कितना आया है, इन दोनों का रेशियो कितना 1.5, इसका मतलब क्या है लाइट है ना वो ग्लास में 1.5 टाइम्स स्लो ट्रैवल करती है विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर, ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, हम लोग इस तरह को इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं क्या, देखिएगा इसका मतलब ये हो गया साइन आई का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर यानी कि मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास यानी कि एम टू, ऐसे डिनोट कर सकते हैं ना, क्या आएगा इन दोनों का रेशियो क्या आएगा 1.5 ही आएगा ना, तो आप इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हो, क्या आया
साइन आई पर साइन आई पर 1.5 इजिकल टू ये सेम है, इजिकल टू ये भी सेम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर यानी मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम टू। बात समझ आ गई है, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और वो कितना है 1.5। 1.5 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर, मतलब कि ग्लास के अंदर, ग्लास के अंदर लाइट 1.5 टाइम स्लो ट्रेवल करेगी विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर। बात समझ आ गई है, आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और क्या इसमें। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं दो टाइप के। सबसे पहला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, सबसे पहला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है रिलेटिव। क्या है? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। दो टाइप के रिलेटिव इंडेक्स होते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आइए मैं डिफरेंस आपको बताता हूं। देखिए रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं वो देखिए मैं बात करता हूं, यहां पे एक मीडियम है उसमें लाइट टू रिस्पेक्ट टू वन कैसा आएगा? देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ओके, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में हम लोग दो मीडियम्स को साथ में कंपेयर करते हैं। बात समझ आ रही है? दो पेयर ऑफ मीडियम को साथ में कंपेयर करते हैं। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट में आते हैं तो ध्यान से देखिए, एब्सोल्यूट में क्या रिफ्लेक्ट एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू विथ रिस्पेक्ट ऑफ वन क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आ गया। आप देखिए वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। बात समझ आ रही है? यही दो डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। रिलेटिव में दो मीडियम को साथ में कंपेयर करते हैं और एब्सोल्यूट में वैक्यूम के साथ किसी दूसरे मीडियम को कंपेयर करते हैं। और वैक्यूम का फेमस नंबर हम सबको पता है क्या है? वैक्यूम में लाइट कैसे कितनी फास्ट ट्रेवल करती है वैक्यूम में? तो वो है लाइट कितनी फास्ट ट्रेवल करती, वो है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। और मीडियम कुछ भी हो सकता है, समझ आ रही है? यही दोनों मेजर डिफरेंट है और कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि रिलेटिव इंडेक्स तो वही हो गया। रिलेटिव इंडेक्स क्या है? स्पीड, मेजरमेंट ऑफ स्पीड होता है। अब रिलेटिव में क्या होता है? दोनों मीडियम को साथ में कंपेयर करते हैं। और एब्सोल्यूट में क्या होता है? एक वैक्यूम होता है और एक मीडियम होता है। बात समझ आ गई? क्यों वैक्यूम होता है? क्योंकि वैक्यूम का नंबर हमें पता होता है पहले से ही। अब इनको चारों को, इनमें से आप किसी को भी टर्म को फाइंड करना है, बहुत इजीली वो फाइंड हो जाएगा। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाउ टू वर्क। समझ आ गया? इतना समझ आ गया? आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको जब आंखों का चेकअप कराओगे तो उसमें ग्लास आपको स्पेक्स जो देता है वो ग्लास का होता है, डायमंड का क्यों नहीं होता? वाई? जो चश्मा आप पहनते हो, जो चश्मा आपने पहना है गांधी जी का, ये ग्लास है कि नहीं? ये डायमंड क्यों नहीं? इसको डायमंड किसी क्यों नहीं बनाया जाता? आइए उसमें थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, पहले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करते हैं। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर जी इज इक्वल टू 1.5। ये सबको पता है क्या? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.5 होता है। ये हमने कल भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो पता चलता 1.5 क्या होता है, कांस्टेंट नंबर है। अब हम बात करते हैं डायमंड की, तो देखिए साइन आई अपॉन साइन आर डी इज इक्वल टू 2.4 होता है। मतलब क्या कि डायमंड में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर इज इक्वल टू 2.4 होता है। 2.4
फोर होता है, 2.4 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है मैं आपको साथ साथ बताता हूं। देखिए इसका मतलब यह है, जब लाइट एयर में से किसी ग्लास में ट्रैवल करती है तो यहां पे आई है, यहां पे आर होता है। जब लाइट एयर में से ग्लास में ट्रैवल करती है तो इंसिडेंट एंगल थीटा आई होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा आर होता है। ये ग्लास है इसीलिए यहां पे जी लगाया है। तो साइन आई अपॉन साइन आर जी कितना हो गया, 1.5 हो गया। ये कैलकुलेट वैल्यू है। उसके बाद सीधा चलते हैं, जब लाइट एयर में से डायमंड में आती है तो आर डी लगते हैं हम लोग। बात समझ आ गई, ये इंसिडेंट एंगल है इसमें थीटा आई और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है थीटा आर, और इसके लिए 2.5। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। आप दोनों को समझ में आ रही है, आगे की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आगे की तरफ चलते हैं। और मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं कि डिवाइड करना है, 2 को 1 से डिवाइड करो। ओके, 2 को 1 से डिवाइड करो, मतलब डिवाइड प्रॉब्लम कैसे यहां से लिखिएगा। देखिए साइन आई अपॉन साइन आर डी डिवाइडेड बाय साइन आई अपॉन साइन आर जी इज इक्वल टू 2.4 अपॉन 1.5। हम डिवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा बताता हूं। देखिए साइन से साइन कैंसल आउट हो गया और ये साइन आरजी नीचे वो ऊपर आ जाएगा, साइन आरडी नीचे, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। साइन आरजी ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा साइन आरजी अपॉन साइन आर डी इज इक्वल टू 2.4। पॉइंट हटाए नीचे की पॉइंट हटाएंगे तो 24 अपॉन 15 आएगा, क्योंकि इसका डेसिमल नीचे 10, इसका डेसिमल ऊपर 10, दोनों कट गया तो आया 24 अपॉन 15। बात समझ आ गई आपको बात समझ आ गई है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अब हम इसी चीज को आगे की तरफ लेके चलते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा साइन आर जी अपॉन साइन आर डी इज इक्वल टू, यानी कि ये एंगल बड़ा हो जाएगा, इसका रेशियो 1 से बड़ा हो जाएगा जब कैलकुलेशन करोगे तब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन आर जी इज ग्रेटर देन साइन आर डी। आया बात समझ में, क्योंकि हमने क्या किया, इस आर डी को इसको 1 के साथ ऊपर ले गए और ये ग्रेटर देन, यानी साइन आर जी इज ग्रेटर है, मतलब कि ग्लास रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन द रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड आर डी, समझा, रिफ्लेक्शन ऑफ डायमंड आर डी। इसका क्या मीनिंग है, ये हमें क्या बताता है, उसको ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। आइए मैं बाकी सब मिटाता हूं, सिर्फ इसको रखता हूं बाकी, क्योंकि सबका कैलकुलेशन हमसे हो चुका है। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करिएगा। आइए मैं इसको ऊपर लिखता हूं, साइन आर जी इज ग्रेटर देन साइन आर डी। एंगल की बात करते हैं ना, साइन साइन कटा हो गया, क्या हो गया, आर जी इज ग्रेटर देन आर डी। आइए डायग्राम बनाते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा मेरा ग्लास, ये रहा मेरा, मैंने दोनों डायग्राम को साथ बनाता हूं। ओके, ये है नॉर्मल है और एक ऐसे है और एक ऐसे। एक मिनट, मैं इस डायग्राम को अच्छे से फेयर डायग्राम बना लेता हूं तो आकर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये वाला जो बाहर वाला है ना, बाहर वाला वो है ग्लास आर जी, और अंदर वाला वो है आर डी। ओके, और ये आई है, ये है इंसिडेंट आई। मेरी बात ध्यान समझिएगा, देखिए इन दोनों में से किसका एंगल बड़ा है, मुझे सिर्फ ये बताइए, इनमें से ग्लास का एंगल बड़ा है। अगर ग्लास का एंगल बड़ा है ना, देखिए ग्लास का एंगल बड़ा है, अब इसमें ग्लास का एंगल बड़ा है और डायमंड का एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल छोटा है, इसका मतलब क्या, ग्रेटर एंगल, अगर आपका रिफ्लेक्टिव एंगल बड़ा होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट कम होगा। वेरी गुड फेनोमेनन, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर रिफ्लेक्टेड एंगल बड़ा है तो बेंडिंग ऑफ लाइट स्लो कम होगा, और अगर रिफ्लेक्टेड डी अगर छोटा है,
यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगा। यानी कि इस फेनोमेन में हमें यह पता चला कि बेंडिंग ऑफ लाइट किसका ज्यादा है, बेंडिंग ऑफ लाइट डायमंड का ज्यादा है, बेंडिंग ऑफ लाइट डायमंड का ज्यादा है विद कंपेयर टू द ग्लास। क्योंकि ज्यादा जितना बड़ा एंगल होगा बेंडिंग ऑफ लाइट उतना कम होगा, और जितना छोटा एंगल होगा बेंडिंग ऑफ लाइट उतना ज्यादा होगा। इससे आपको क्लियर हो चुका होगा क्योंकि आरजी यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन द रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ डायमंड, यानी कि इन दोनों में से ग्लास का एंगल ज्यादा है। जब ग्लास का एंगल ज्यादा होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट कम होगी। अब जब डायमंड का एंगल कम होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी। इतना फेनोमेन आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरह से, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, यहां तो मैंने एंगल की बात कर दी कि किसका एंगल ज्यादा है और किसका एंगल कम है। जिसका एंगल कम होगा बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी, और जिसका एंगल ज्यादा होगा बेंडिंग ऑफ लाइट कम होगी। आइए बात करते हैं इसके स्पीड ऑफ लाइट की। देखिए स्पीड ऑफ लाइट क्या बोलता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए। स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, और यहां पे देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। ओके, बात समझ में आ गई। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड कितना आंसर आया था, इसका आंसर था 1.5 आया था। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इसका आंसर कितना आया था, 2.4, इसका आंसर 2.4 आया था। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, यानी इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है, ऑब्वियसली इन दोनों में से इसकी वैल्यू बड़ी है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। नीचे देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कट गया, तो क्या बचा, अभी क्या बचा, 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो डायमंड है वो 1 की तरफ आ जाएगा, मतलब इसको उतारो तो 1 अपॉन ग्लास 1 अपॉन डायमंड, यानी कि क्रॉस हो गया तो क्या आएगा, डायमंड इधर आ गया तो क्या आएगा, डायमंड वेलोसिटी लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ डायमंड इन एंड वेलोसिटी ऑफ ग्लास। तो आपको पता चल चुका होगा इस फेनोमेन से, आपको यह पता चल चुका होगा कि लाइट की वेलोसिटी किस पे ज्यादा है, ग्लास पे ज्यादा है। यानी कि लाइट ऑफ लाइट की स्पीड किस पे ज्यादा है, ग्लास में ज्यादा है, और लाइट की स्पीड किस में स्लो है, डायमंड में स्लो। इस एक्सपेरिमेंट से आपको ग्लास और डायमंड में से ये पता चल गया कि किस में लाइट की स्पीड ज्यादा है, और इसके पहले के एग्जांपल में से पता चल गया अगर एंगल कम है तो लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगा, और अगर एंगल बढ़ ज्यादा है तो बेंडिंग ऑफ लाइट कम होगा। तो एंगल की भी बात हमने कर दी और हमने स्पीड की भी बात कर दी। यहां पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आपके टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं है जो कि मैंने अभी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखा है, लेकिन मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझाना था तो मैंने आपको समझाया। एंगल के रिस्पेक्ट में भी समझाया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंगल के रिस्पेक्ट में भी समझाया, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने स्पीड मतलब कि उनकी लाइट की वेलोसिटी की स्पीड में भी आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो एक दो बार देखने हैं, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।